सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करूं बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। इहां खाट चलहो हर लाहाया, गै बसन सोहेला। हौद कटै दिन सुरै नारे, मन गुर मेल काज सवारे। रहाओ एहो संसार विकार संसे मह, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पियावै एहो रस, फकत कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरु ते मन है बसेरा। निज कार महल पावहु सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। अंतर जामी पुरख विदाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दसां पातशाहियां दे प्रगट प्रतख स्वरूप, छतर चवर तखत दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरणा अंदर सबाए मान सत्कार योग साध संगत जीओ, आप जी अमृत वेले दे दीवान अंदर हाजरी भर के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां बख्शिशां प्राप्त कर रहे हो। अज दे लड़ीवार शब्द विच जो कि रात दे नितनेम नाल संबंधित बाणी कीर्तन सोहिला, सोहिला साहब जी दी बाणी विच ए शब्द अंकित है और गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे मुखारबिंद तो उच्चारण किते हुए ए वचन गौड़ी पूर्वी राग विच स्थापित हन। सतगुरु ने इस बाणी विच लोक ते परलोक दी इकट्ठी व्याख्या कीती। दो अवस्थावां दा जिक्र कीता है, इस जगत विच कुछ करन वास्ते सतगुरु ने बेनती कीती है। आम तौर ते सतगुरु वल्लों हुक्म हुंदा है, बेनती सिख वल्लों कीती जांदी है, पर इस शब्द विच गुरु साहिब ने हुक्म नहीं, साडे वास्ते भी सिखां वास्ते एक बेनती दे रूप विच शब्द उचारिया। और शब्द कहे ने करो बेनंती सुनो मेरे मीता। ये अत निम्रता दी सूचक है कि गुरु दी पदवी ते बैठ के उच्चे थां ते बह के फिर भी शब्द ओ वर्तने जिन्हां विच अति निम्रता है।
नहीं तो सतगुरु वालों सिर्फ हुक्म जारी हुंदा है ते सिख वालों उसनू प्रवान करना हुंदा है। सतगुरु ने वचन किते कि मैं ये बेनती कर रहा, ध्यान नाल सुनना करो की बेनती करते ने संत टहल की बेला। ये गुरु की साध संगत की सेवा का वेला है जो लगातार निरंतर हथों निकलता जा रहा, जिदे प्रति बड़े घट लोग जागते ने कि एक एक पल करके एक एक श्वास करके कलर की कंध सहजे सहजे किरती जा रही है। ये परत के हथां विच आउण वाली चीज़ नहीं, जिहड़ा समा अज निकल गया जो कल बीत गया है परत के वह साडे जीवन विच कदी आवेगा ही नहीं, वह चला गया, कल साडे हथां विच हुण नहीं आ सकता, उहदी समाप्ति हो चुकी है। पर अज दा वक्त जो साडे सामने आ रहा उहनूं कहिंदे ने वर्तमान। वर्तमान साडे कोल है, पर जदों साडा मन सौंदा, गुरु साहिब वार वार कहिंदे ने मन दी जाग, मन नूं जगा, शरीर तां जागिया है मन नूं जगा, तां उत्थे जा के फिर समझ नहीं पैंदी कि मन किवें जागेगा, सानू पता किवें लगे मन सुत्ता होया, इहदी की निशानी, क्योंकि ना मन दा कोई शरीर, ना उहदा आकार, ना उसका कोई मंजा, ना उसका बिस्तरा, किवें पता लगे मन सुत्ता है। पर भरम विच भुलेखे विच असीं सोची जांदे आ जाग ही रहे, तां सतगुरु कहिंदे ने सुते हुए मन दी निशानी है। जिस वक्त साडा मन जां पिछे रहिंदा है जां अगे वर्तमान विच नहीं रहिंदा, ये सुता होया मन है, जां ते कल बारे सोचेगा जो कल बीतिया है, जां आउण वाले वक्त बारे सोचेगा, जां आउण वाले विच भविख विच तुरिया फिरेगा कल की करांगे, कल की होवेगा। इन्हां दोवां समयां दे विच जदों मन रहिंदा है ते उदों कहिंदे ने मन सुता होया है, ते वर्तमान बिल्कुल सामने इस पल विच, अज विच भी, अज भी बहुत लंबी, अज भी 12 घंटियां दी है, बहुत लंबा है अज, और इहनूं गुरबाणी विच हुण कहा गया है इस वक्त बिल्कुल नक दी सेध ते जदों एक सैकिंड तेरे सामने आ रहा। इसलिए कलगीधर पातशाह ने जदों शब्द कहे ना कि एक चेत जे एक छिन त्यायो, काल फांस के बीच ना आयो, उहदे कई वारी असी अर्थ कर देने आ भी जे एक छिन भी तू जप लेंगा तो काल फांस विच नहीं आउंदा। पर मैं इत्थे बेनती करां, इत्थे एक छिन दे अर्थ ये नहीं भी एक छिन जपना बस। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह एक छिन किनू कह रहे ने, असल विच आदमी दे काम ही एक छिन आउंदी जो उहदे सामने है बिल्कुल, ना पिछली छिन पिछला सैकंड भी कम दा नहीं रहा, निकल गया, आने वाला अजे साडे हत्थां विच आया नहीं। साडे कोल समय विचों ना घंटा कोल है, ना पैर कोल ने, ना महीने, ना साल, साडे काम जदों भी आना एक सामने वाले छिन ने आना है, सामने वाले सैकंड ने आना, होर कुछ भी कम नहीं आवेगा। ते जदों कलगियां वाले कहिंदे एक चीत जे एक छिन, उस छिन दा मतलब है वर्तमान दी छिन जिहड़ी हुण तेरे सामने है, इत्थे रोक दे मन नूं, खड़ा कर दे, बस इन्ने कम आउणा है, होर किसे छिन ने कम नहीं आउणा। इस तरह एक एक छिन जदों तू वर्तमान विच जिउण लग पैंगा, हुण विच जीण लग पैंगा, ते तेनू वो दरवाजा लंघ लभ जाएगा जिथों जिंदगी दा राज जानिया जांदा है, वो ना भविख विच जानिया जाणा, ना आउण वाले समय विच, ना लंघे विच, दोवां विच कुछ भी नहीं, वो मुरदा ने दोवें, वो है नहीं कल्पित। वैसे विद्वानां ने जां गुरु साहिब ने बाणी दे विच ये एक तकसीम तां कर दित्ती कि तीन प्रकार का समय, पास्ट गुजरिया होया भूतकाल जो लंघ चुका है, आउण वाला भविख, तो प्रेजेंट जिहड़ा हुण चल रहा साडे सामने। पर समय तीन है नहीं, असल विच समा इक्को ही सिर्फ,
इको छिन्न समा है सिर्फ जिन्ना जिन्ना जिहड़ा आदमी उस छिन्न दे उत्ते रुक गया वह घट्टो घट समय तक काल तक ते आ गया। दो चीज़ां ने ना गुरबाणी विच काल ते अकाल, तुसी वार वार बाणी विच पढ़ोगे काल शब्द आउंदा, काल दे अर्थ ने समा, ते जदों इहदे अगे ऐड़ा लग जाएगा ना जिवें गुरबाणी दे विच मूल मंत्र विच अकाल मूरत, अकाल दा मतलब है जिथे कोई काल नहीं कोई समा नहीं। असी काल तो अकाल तक जाना है, काल तो अकाल तक साड़ी ये यात्रा है, साड़ी ये मंजिल है, साड़ी ये सड़क है, ये मार्ग है। इनू कहिंदे ने संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी कोवड भागी पाए। असी काल तो अकाल तक जाना है, समय तो असमें तक जाना है, और ये मैं बेनती करा अकाल तक वो ही जा सकेगा जिहड़ा पहला काल तक गया, काल तो बिना कोई अकाल तक नहीं गया। ते काल समा केड़ा है, एक चीत जे एक छिन्न त्यायो। सिमरन का भी सिर्फ इन्ना ही मतलब है कि मनुख दियां पुरानियां प्रवृत्तियां बंद हो के वह वर्तमान विच खड़ा हो जाए, इस वक्त विच खड़ा हो जाए। सिमरन सिर्फ इस वास्ते किया जाता है, वो तां दित्ते गए ने शब्द कि इहदा दोवें हिस्से कट करदा है सिमरन, जिहड़ा भविख बारे भी ते भूतकाल नूं कट ऑफ बिल्कुल पासे करदा है। आदमी एक वक्त विच एक छिन विच हुणे आ जाए, जिहड़ा एक छिन विच आ गया वह काल दे नेड़े आ गया। हुण संभव है भी असी काल दे नेड़े आ गए तां संभावना कीती जा सकती है अकाल तक हुण जाण दा रस्ता मिल जाएगा, पर अजे आपां काल तक ही कोई नहीं है, अकाल तक कित्थों जाणा। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बुलाई हुई है, काल तक कित्थे गए, अजे ते काल विच भी नहीं आए, अजे ते समय विच भी नहीं आए। इसलिए जिहड़े हुण विच आए ने, इसे वक्त विच आए ने, बिल्कुल सामने वाली छिन विच आए ने। कलगीधर पातशाह कहिंदे एक चीत जे एक छिन ते आयो, बस उत्थे आउण दी देर है, काल फांस के बीच ना आयो। उत्थे आउंदे ही आदमी उहदे तों पार निकल जांदा है, उत्थे कोई समां नहीं, ना उत्थे बचपन ना जवानी ना बुढ़ेपा ना मौत ना जन्म, ना उत्थे दुख ना उत्थे पीड़ा ना मुसीबत, कुछ भी नहीं है। इस करके सतगुरु कहिंदे ने बेला, अज दे शब्द विच सोहले दी बाणी विच कहिंदे ने इह बेला है संत टहल की बेला, गुरु दी सेवा दा वक्त तेरे कोल हुणे ही है, तू इसे वक्त विच आ जे तू कुछ जानना है। छड दे लंघे हुए समय नूं, अतीत नूं, कल की होया सी, घट्टो घट तू अपने जीवन नूं अज तो शुरू कर दे, पुराने साल ते महीने दफना दे, खत्म कर दे, उन्हां विच की होया की नहीं होया। आपां इह ते करदे रहिंदे आ, पुराने समय विच जिहड़े दुश्मन ने उन्हां नाल झगड़दे रहिंदे आ, ते जिन्हां नाल स्नेह सी उन्हां वास्ते मोह करदे रहिंदे आ, दो ही काम करदा मनुख। जिन्ना चिरे अंदरों नहीं निकलता उन्ना चिर आदमी वर्तमान विच नहीं। इस लई कबीर साहब ने एक छिन्न की गल उन्होंने भी की है, वह कहिंदे ने हुणे कर, काल करंता अभय कर, अब करता सोए ताल, पछे कछु ना होएगा जब सर पर आवे काल। काल करंता, काल दे अर्थ ने जो तू कल बारे सोच रहा है उन्नू अभय कर। अभय का अर्थ हुण, पर जदों उन्होंने अभय हुण शब्द वरत्या ना तो इन्ने सुचेत ने समय बारे, इन्ने अलर्ट ने, कबीर साहब नूं पता लग गया भी हुणे मैं अभय आख्या सी, वह भी समा हथों निकल गया, हुण अगला समा आ गया छिन। फिर उन्होंने कहा अब करता जिहड़ा तू हुण करना सी वह हुण भी चली गई। सोए ताल, ताल का मतलब हुंदा तत्काल, तत्काल शब्द वरत्या जांदा है जदों किसी ने एमरजेंसी टिकट करवानी होवे उस वेले, उन्हूं पंजाबी विच हिंदी विच कहिंदे तत्काल, उस वक्त बिल्कुल अख दी फोर दे उत्ते। इस करके कबीर साहब कहिंदे हुणे ही कर तू इसे वक्त, सोची ना
भी अज सुनिया समझिया वेखांगे अगले साल कर दें इस तरह तू सारी जिंदगी दे सही रस्ते गवा देंगे। हुणे ही उसनू कर क्योंकि हुंदा वो ही है जिहड़ा असीं हुणे करना शुरू कर देने जिहनूं थोड़ा जिहा टालिया जांदा है भावें वह चंगा है तो भावें माड़ा है। इसलिए सियाणियां दा एक तजर्बा है बड़े बड़े तजर्बे ने जिंदगी नूं जीउण दे वह कहिंदे ने जदों क्रोध आउंदा है उहनूं कल ते पा दे भी कल क्रोध करांगे। किसी ने इहदे ते तजर्बा कीता जदों किते झगड़ा हुंदा है किते लड़ाई हुंदी परिवारां विच ते किसी ने पुछया किवें सरे उन्होंने कहा जी जदों तेरे मन विच ख्याल आउंदा है ना भी पाठ करना चाहीदा ते करन तो बाद तू अंदर सोच लेना भी चलो कल वेखांगे कल करांगे कल फिर चेता भुल जांदा फिर नहीं हुंदा निकल गया। कहिंदे इसे तरह जदों तेनू क्रोध आवे उदों तू इस चीज़ की वरतों कर भी अज नहीं करना कल नूं करना है ते जदों उहदा समा निकल गया समय तो बाद उह खत्म हो जांदा है। इसलिए कहिंदे ने बुराई का समा ये चीज़ां बुराई बारे सोचनिया चाहीदियां भी कल करांगे चंगियाई बारे नहीं सोचनी चाहिए चंगियाई जिहड़ी हुणे करनी चाहीदी पर इहदे उल्ट हुंदा है। आदमी का मन इस तरह दा है वह बुराई नूं हुणे करदा है चंगियाई नूं अगे पा दिंदा कल करांगे परसों करांगे देखांगे होवेगा वह काल की दुनिया में चला जाता है। अब करता सोए ताल पाछै कछु ना होएगा जब सर पर आवै काल। इस करके गुरु अर्जन देव जी इस सोहले की बाणी विच कहिंदे ने और यह बाणी उस वक्त पढ़ी जाती है जिस वेले आदमी एक दुनिया की तब्दीली विच जा रहा है नींद विच जांदा पिया है। यो समा है कि जदों जागण विचों सौण दी दुनिया विच जा रहा है उस वेले पढ़ी जाती सारे दिन की जाग सारे दिन के कार्य कम उहदे सामने हुण उहदे सामने नींद है उहदा मंजा है उहने सौना है उहदे वास्ते पढ़ी जाती है। और जिहड़े कई भावना वाले गुरसिख पुराने गुरसिख ने उन्होंने वो इस बाणी दे नाल होर भी शब्द पढ़ते हैं अपने जीवन की राखी वास्ते और यह सच्चाई इस बाणी विच सुरक्षा करन दी शक्ति मनुखे नूं जिहड़ा प्यार नाल पढ़दा है ये बाणी उहदी राखी करदी हर प्रकार दे नाल। और इहदे नाल शब्द पढ़े जांदे ने गुर का शब्द रखवारे चौंकी चौगिरद हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं किसे गुरसिख ने बेनती की सी कि महाराज मैं घोड़ियां दा वपारी हाँ ते जिथे भी मैं घोड़ियां दे कैंप विच घोड़े खरीदना जदों मैं सफर विच तुरना ते राह विच मेरे घोड़े चोरी हो जांदे ने इतिहास विच लिखिया होया राह विच मेरे घोड़े चोरी हो जांदे ने मैं बहुत यतन किया पर मेरे घोड़ियां नूं कदी चोरां तों बचाया नहीं जा सकता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पूछया भी तू सोहले की बाणी पढ़ना है कहन लगा जी कदी पढ़ी दी कदी नहीं। कहिंदे नहीं जदों तू रात नूं किते कैंप लाउणा है उत्थे एकागर चित हो के तू ये सोहले की बाणी पढ़नी है क्योंकि गुरु अर्जन देव जी तक इस बाणी का सरूप इथों तक मुकम्मल हो चुका सी मोको कर संतन की तोरे इहदे तो पहला तीजे पातशाह तक इस बाणी का सरूप सिर्फ अगले तीन शब्द सन जिहड़े जय कर कीर्त आखी है गगन मै थाल रवचंद दीपक बने ये शब्द सन जिहड़े पर बाद में चौथे ते पंजवें पातशाह दे दोवें शब्द पाए गए। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस घोड़ियां दे सदागर सिख नूं हदायत की भी जदों तू ये बाणी पढ़नी है नाल ये भी शब्द पढ़ना बिलावल महला पंजवां ताती वाओ ना लगे पार ब्रह्म सरनाई चौ गिरद हमारे रामकार दुख लगै ना भाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखत दिया एका लिबलाई राख लिए तिन रखण हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पै सहाई। ये रात दे सौण वेले तू पढ़ के और सोहले की बाणी पढ़ के सौना है। कहिंदे ने उस सिख ने इस हदायत का पालन किया ये चीज़ां हुण असी बंद कर दित्तियां ने इहनूं असी अंध विश्वास कहन लग पए
पर तां ही साढ़े विच शरदा भी चली गई। वो सिख ने घोड़ियां दे कैंप दे कोल बह के रात नूं जदों ये बाणी पढ़ी तो चोर आए, कहिंदे ने जदों नेड़े आउंदे तो उहनां नूं इंज प्रतीत हुंदा सी अगे कोट बनिया होया, किला बनिया होया, अंदर उहनां तों प्रवेश नहीं कीता जांदा। फिर उन्होंने जदों ये घटना वेखी तो सिख दे कोल दिने आए तो उन्होंने बेनती की भी आ की घटना, भी आले दुआले कोई कंध तो है नहीं, पर जदों असी तेरे घोड़े चोरी करन आउंदे सी अगे सानू इंज लगदा सी जिवें कंध बनी हुई। वो सिख भी हैरान हो गया क्योंकि वह दिसण विच नहीं आउंदा। कहन लगा इह गुरु की बाणी का प्रताप है। वो जिहड़े चोर सन वह भी उस सिख दे नाल सतगुरां दे कोल गए तो उन्होंने सिखी धारण की। इहदा भाव इस बाणी दे विच रात दे समय राखी करन दी शक्ति है, और तां गुरसिखां नूं रात नूं सौण वेले, क्योंकि जदों असीं सौणा है उस दुनिया दे विच वी साडा मन किसे ना किसे थां ते खुल्ला रहिंदा, एक्टिव रहिंदा, और इस ब्रह्मंड दे विच जिहड़ियां जिन्ने प्रकार दे विचार ते नैगेटिव एनर्जियां ने उह घुम्मदियां फिरदियां ने सारे संसार विच। तो जे रात नूं इह बाणी पढ़ के सौ आदमी सौंदा है तो उहदे मन दे विच प्रवेश नहीं करदियां, उहदे मन नूं दूषित नहीं करदियां, उहदे मन दी उहदे चौहां पासे राखी करदी बाणी चौहां पासे। जिवें आप जी ने सुनिया एक सिख गुरु नानक देव जी दे टाइम ते इह बाणी पढ़दा सी और भेडां चारदा सी, ते रात नूं भेडां चारदे उह जदों इह बाणी पढ़न लगा ते एक भेड़ कंडियां विच दौड़ गई, तो उठ के पढ़दा पढ़दा जदों उहनूं फड़न लई दौड़िया उहदियां पैरां नूं कंडे वजे, पर उहनूं कंडियां दे जख्म नहीं आए। दूजे पासे गुरु नानक साहब जी मंजे ते विराजमान सन, उहनां दे पैरां ते कंडियां दीआं झरीटां पै गईआं, खून सिमिया। परत के जदों दर्शन करन वास्ते आया तो हजूर ने हदायत दित्ती भी इह बाणी तैनूं मैं बह के पढ़न लई कहा सी, क्योंकि जदों तू कोई भी ये बाणी पढ़ता है तो मैं उसकी राखी करना, हर एक प्रकार तो मैं उसका बचाव करना। ये सारिया जिहड़ियां इतिहासक घटनावां ने ये सानू बाणी की शक्ति बारे दर्शाउंदियां ने कि साडी बाणी ये कल्ली खबरां नहीं, कल्ला ज्ञान नहीं बाहरला। जिवें कि अजकल कुछ लोग कह रहे हैं भी बाणी तो सिर्फ तुसी समझो पढ़ो की लिखिया है तो तुसी उहनूं समझ लवो, सिर्फ सतगुरु ने समझण वास्ते भी कहा, पर यह ख्याल रखना चाहिए बाणी समझी भी जा सकती है पर साड़ी उन्नी कु समझ में आती जिन्नी कु साड़ी समझ है, बाकी यदि शक्ति होर बहुत ज़्यादा है बाणी, ये असीम शक्ति असीम असीम ताकत है। इस करके इस बाणी दे विच बड़ियां सारियां बख्शां ने, और सोहला साहब की बाणी सानू हर रोज़ रात नू सौण तो पहला अपने मंजे ते आसन ते बैठ के पढ़नी सिखी दे नितनेम विच जरूरी कीती गई है, क्योंकि जिहड़े रात दे 5-7 घंटे आदमी ने आराम करना है उहदे विच उहदी जिंदगी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती, उहदी कोई राखी नहीं कर सकता, आप ते सौं जांदा। तां जिन्ने बाणी दा सहारा लिया फिर उहदे घेरे विच उहदे प्रभाव दे विच रहिंदे ने। इस बाणी दा इतिहासक पहलू है, और सतगुरु सच्चे पातशाह जी इहदे विच गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे, करो बेनंती सुनो हो मेरे मीता। मीता दे अर्थ ने हे मित्र, हे दोस्त, तू ध्यान नाल सुन, मैं एक बेनती तेनू करनी चाहुंदा। केड़ी बेनती करनी चाहुंदे हो? कहिंदे, संत टहल की बेला। टहल दे अर्थ ने सेवा। आ जिहड़ा वक्त है गुरु की सेवा का, तेरे कोल बहुत सुनहरी मौका है। ईहां खाट चलो हर लाह, आगे बसन सुहेला। ईहां दे अर्थ है इत्थे, खाट चलो इत्थे कुछ खट लवो, इत्थे कुछ इकट्ठा कर लो। जिवें कि आदमी परदेश विच आउंदा है तो वह खटदा कमाउंदा कुछ अपने रस्ते दे खर्च वास्ते, कि मैं अपने रस्ते का खर्च इकट्ठा कर लवां, अपने खाण पीण का प्रबंध कर लवां। इस तरह हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे, ये जिहड़ा वक्त है इहदे विच तूं परमात्मा दे नाम की खट्टी नूं खट ते लाहा प्राप्त कर लै, क्योंकि ये खट्टन दे नाल आगे बसन सुहेला। जदों तू अगे जाएगा
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਟੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਚੱਕੀ ਦੇ, ਆਟਾ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ, ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਟਾ ਕੀਚੜ ਗਿਰ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ, ਕਬੀਰ ਆਟਾ ਕੀਚੜ ਗਿਰ ਭਰਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ, ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਏ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਬੀਰ ਆਟਾ ਕੀਚੜ ਡਿੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਰ ਭਰਿਆ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ, ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ, ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ 8-10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਆਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਹੁਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਪ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ,
पानी का ध्यान कीत्या शरीर इस तरह लगता जिवें पानी वर्गा हो गया, यानी कि जिहड़ी चीज़ का भी ध्यान करने आ। इस करके गुरु साहब ने कहा तू नाम का ध्यान कर, क्योंकि जदों तू नाम का ध्यान करेगा तेरे अंदर इंज प्रतीत हो जाएगा भी तेरे विच नाम वस गया, तू उहदे नाल जुड़ जाएगा। इस तरह जदों माया का बहुता ध्यान उहनूं गिणिया जाए तो माया का सुभाव की है, माया के दो सुभाव ने, वह सुभाव उस गिणन वाले मनुख के मन में प्रवेश कर जाते हैं। वह दो सुभाव असीं चंगी तरह जानने हां, माया का करंसी का सुभाव है एक थां ते ना रहना, घर बदलते रहना, यह माया का सुभाव है। तुसीं वेखो जिहड़ा नोट साढ़े कोल अज इहदा इतिहास पढ़ के वेखो, औसतन एक नोट लख आदमी के हत्थां विचों आउंदा, फिर वह पुराना हुंदा, किन्ने आदमियों के विचों आया, और साढ़े कोल भी अज होवेगा कल नूं फिर उन्हें अगे थां बदल जाना। थां बदलते रहना टिकना ना, ये माया का सुभाव है। तो दूसरा माया का सुभाव है भी पक्की किसी के ना ते नहीं रहिंदी, अज जिहदे कोल उहदी है वह चला गया उस वेले उहदे अगों औलाद दी उस वेले बन गए, थां बदल गए। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਾ, ਲੋੜ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਸੇ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਦੀ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਸ ਗਈ ਉਹ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕਿਲਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਤੇਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਔਧ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਮਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ, ਰੈਣਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰਾਤ। ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ, ਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਮ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇਮੈ, ਸੰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਿਆ? ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਜਗਾਏ ਪੀਆਵੈ ਇਹ ਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗਾਏ ਪਿਆਏ, ਇੱਥੇ ਜਗਾਏ ਅਤੇ ਪਿਆਏ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਗਾਏ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਪੀਆਵੈ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੀ ਆ ਵੈ, ਵਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
जिसे जगाए पी आवै यह रस जिन्हों जगा देंदा जिदे मन नू जगा के भविख ते भूतकाल विचों वर्तमान ते लै आउंदा गुरु सामने दी छिन विच उन्हें इस रस नू जाणिया ते अकथ कथा तिन जानी उन्हें अकाल पुरख की अकथ कहानी नू जान लिया उन्हों दे घर दे राह दी समझ आ गई। हजूर कहिंदे जा को आए सोई बिहाजो स्पष्ट गुरु साहब कह रहे ने आपां कादे वास्ते आए हाँ कहिंदे जा को आए जिहड़ा काम करन लई आए वह खरीदो बिहाजो दार थे व्यापार करो बाजार विच जिहड़ी चीज़ खरीदन जाइए जो भुल जाइए तो वापस आइए मन दे विच बहुत विखेप झोरा हुंदा है भी गए सी इन्नी दूर खाली हथ वापस मुड़ गए। इस तरह इस जगत दे विच हजूर कहिंदे नाम की पूंजी इकट्ठी करन वास्ते आए हाँ उस नूं विहांजो और ये नाम की दात हर गुर ते मन है बसेरा पूरे गुरु तो मन विच ये नाम वसदा निज घर महल पावो सुख सहज बहुर न होए गो फेरा। जिन्हां ने नाम रूपी घर नूं प्राप्त कर लिया है उन्होंने अपने निज महल विच प्रवेश कर लिया गुरु के शब्द दे विच उन्हां दा जीवन टिक गया सुख सहज में चले गए तो परत परत के उन्होंने इस जगत के गेड़े विच आना नहीं पैंदा फेरा नहीं पैंदा उन्होंने फेरे का अर्थ है आप किसी काम जाइए तो वह काम विच ही रह जाए उहदे वास्ते आपां कहिंदे आ फेरा पै गया काम नहीं होया फेरा लाया सी गड्डी लै के इन्नी दूर गए ट्रक लै के गए पर खाली मोड़ आए फेरा पै गया। सतगुरु कहिंदे इत्थे बड़िआं नूं फेरे ही पैंदे ने पै क्यों इतों जो कुछ लैन लई आए सन उधर ध्यान नहीं किया जदों वापस मुड़े उत्थे जा के पता लगा भी फेरा पै गया 50-60 साल एवें धोखा हो गया 100 साल इसे तरह गुजर गया उन्हां नूं फेरा पिया है। पर जिन्हां ने निज कर महल पाओ सुख सहजे नाम की दात प्राप्त कर ली उन्हां नूं परत के फेरा नहीं लाउणा पैंदा क्योंकि वह अपना काम करके गए। अंतर जामी पुरख बेदाते शरदा मन की पूरे। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे हे अंतर जामी वाहिगुरु अकाल पुरख स्वामी जी आप जी रहमत करो आप जी कृपा करो बख्शिश करो मेरे ते रहमत करके हे पुरख बेदाते मेरे मन की शरदा नूं पूरी कर दिओ। केड़ी शरदा है नानक दास यह सुख मंगै मोको कर संतन की तूरे। ये दात मंगी क्योंकि ये सब तो वड्डी दात है गुरमुखां दी चरण धूल जिहड़े नाम जपण वाले हन नाम नाल जुड़े हुए हन उन्हां दी धूल सतगुरु इत्थे मंगदे ने और सानू जाच दसदे ने ये सब तो वड्डा सुख इस मार्ग ते कामयाब होण दा। आओ इस शब्द नू पढ़िए फिर समाप्ति करिए। मन गुर मिल काज सवारे मन गुर मिल काज सवारे मन गुर मिल मन गुर मिल काज सवारे जी मन गुर मिल काज सवारे मन मन गुर मिल काज सवारे मन गुर मिल काज सवारे मन औद कटै दिन सुरै नारे औद कटै दिन सुरै नारे मन गुर मिल काज सवारे जी मन गुर मिल काज सवारे मन गुर मिल निज कर महल पावो सुख सहजे निज कर महल पावो सुख सहजे
बहुर ना होए गो फेरा, बहुर ना होए गो फेरा, बहुर ना होए गो फेरा, जी बहुर ना होए गो फेरा, बहुर ना होए गो फेरा, बहुर ना होए गो मन गुरमिल काज सवारे, जी मन गुरमिल काज सवारे, मन पूरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं मिल के जीवन दा जिहड़ा कार्ज है ये सफल हो सकदा है। सतगुरु कृपा करन।